24 है और व्हाट इज एम्पीयर सर्किट लॉ में क्या लिखेंगे हम लोग इंटीग्रल बी डॉट डीएल इक्वल टू हां बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई हां म्यू नॉट आई लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ क्लोज्ड लूप इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट इनसाइड लूप। अब करा डिस्टिंग्विश बिटवीन बायो सेवर्ट लॉ एंड एम्पीयर सर्किट लॉ। कैन डिस्टिंग्विश इसमें भी फॉर्मूला लिख देंगे, डेफिनेशन लिखेंगे ना। हाँ मतलब डिफरेंस सोचना पड़ेगा। इसमें बायस डिवर्जेंट इज प्रोपोर्शनल टू द करंट एंड टू द लेंथ अरे डिफरेंस तो ये एम्पीयर सर्किट लॉ क्या इंटीग्रल फॉर्म है? यस सर। अच्छा है ना इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल तो इंटीग्रल फॉर्म है इंटीग्रल बी डॉट और बायो सेवर्ट लॉ है डिफरेंशियल फॉर्म tb equal to mu naught by 4 pi i d l cross r right तो पहला डिफरेंस हो गया एम्पीयर सर्किट लॉ इंटीग्रल फॉर्म में और बायो सेवर्ट लॉ डिफरेंशियल फॉर्म में। यस ठीक है बायो सेवर्ट लॉ किसी भी शेप के लिए वैलिड है राइट सिमेट्रिक हो या ना हो और एम्पीयर सर्किट लॉ कहाँ यूजफुल है सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में बायो सेवर्ट लॉ और एम्पीयर सर्किट लॉ मैंने बोला एम्पीयर सर्किट लॉ हम सिमेट्रिक फिगर में लगाते हैं जहां करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक हो मतलब एम्पीयर सर्किट टाइप ऑफ गॉस लॉ की तरह हाँ कह सकते हो और बायो सेवर्ट लॉ सब जगह लगता है चाहे करंट डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो। ठीक है यस सर। ठीक है तो आई थिंक 1-2 मार्क में बहुत है। यस सर ठीक है इसका और पार्ट देखे यस सर। क्या क्वेश्चन में रेडियस पूछा है यस सर। स्पीड दी और मैग्नेटिक फील्ड दी तो मैग्नेटिक फील्ड में रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है R is equal to mv by qb. Yes sir. ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो इसका आंसर 26 आ जाएगा। ये एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल लग रहा है मुझे। ठीक है अब क्वेश्चन में क्या पूछा है फ्रीक्वेंसी। यस सर मुझे एक फॉर्मूला याद आ रहा है टाइम पीरियड पर 2 पाई एम बाई क्यू बी तो अगर इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। यस सर। ठीक है तो सॉल्व करने पर इसका आंसर 2 मेगाहर्ट्ज़ आ जाएगा। अब क्वेश्चन में एनर्जी भी पूछा है क्या तो मेरे हिसाब से तो काफी बड़ा क्वेश्चन है ये। यस सर। एनर्जी में हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हाफ एम वी स्क्वायर यस सर। मास दिया हुआ है और स्पीड दिया हुआ है तो निकल जाना चाहिए हाँ जो ऑलमोस्ट आ जाएगा 4 × 10⁻¹⁶ जूल के आसपास। यस सर। ठीक है ठीक है 25 व्हाई नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर ये तो इजी क्वेश्चन है। पॉइंट इन टू डायरेक्शन इज नॉट पॉसिबल एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी विल हैव टू टेंजेंट्स मींस टू डायरेक्शंस टू टेंजेंट्स टू डायरेक्शन एट वन पॉइंट इज नॉट पॉसिबल ये इजी क्वेश्चन था राइट। ठीक है 26
26 नहीं आता, न्यूक्लियर नहीं पढ़ा। अच्छा कोई बात नहीं, ये एनसीईआरटी का सॉल्ट एग्जांपल है। तो ओके इसमें पूछ रहा है ना, ऑल द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज कंजर्व येट एनर्जी इज रिलीज, तो इसमें बाइंडिंग एनर्जी रिलीज हो जाती है, मतलब बाइंडिंग ओके एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कम होती है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा होती है। तो इसको एक बार पढ़ लेना, फिर देखना इसको दोबारा डिस्कस करेंगे। तो मेन इसका रीजन मैंने क्या बताया, बाइंडिंग एनर्जी है, राइट। यस सर। एक फॉर्मूला होता है क्यू वैल्यू का, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। कोई बात नहीं, 27 का ए पार्ट तो कर सकते हैं। Why is the magnetic field radial in a moving coil galvanometer spin out as G? Radial, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है एंगल कितना करना है हमें, 90 डिग्री। 90 इससे डिग्री टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाए, NIAB NIAB मतलब मैक्सिमम हो जाए, राइट। समझ गया सर। पर एक्सप्लेन हाउ इट इज अचीव्ड। तो रेडियल फील्ड के लिए हम दो काम करते हैं, पहला मैग्नेट को कॉनकेव शेप यूज करते हैं, फ्लैट मैग्नेट नहीं यूज करते। ओके सर। दूसरा जो हमारा कोर है वो सिलेंड्रिकल यूज करते हैं, रेक्टेंगुलर यूज नहीं करते, एक फोर्स सिलेंड्रिकल कोर यूज। सिलेंडर और दूसरा पॉइंट क्या था? एक पॉइंट मैंने बोला मैग्नेट्स मस्ट बी कॉनकेव शेप, दो पॉइंट बताए थे ना हमने, द कोर शुड बी हाँ सिलेंडर रेक्टेंगुलर कॉनकेव शेप शुड बी मैग्नेट एंड सिलेंडर कोर मस्ट का। बी सिलेंड्रिकल। ठीक है, जो हमारी कोर होती है वो सॉफ्ट आयरन सिलेंडर की बनी हुई होती है। इसका बी पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, काफी पूछते हैं। वोल्ट मीटर बनाने के लिए हम लोग सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं, राइट। और वी का फॉर्मूला होता है आई जी जी प्लस आर। ठीक है, अब क्या हम रेंज वी बाई टू करना चाहते हैं। और हम क्या करना चाहते हैं? कौन सा क्वेश्चन? पहले पहले क्वेश्चन रीड करो, 27 का बी पार्ट। गैल्वेनोमीटर इंटरेस्टेंस जी वोल्ट मीटर बीइंग 0 वोल्ट मैग्नेटाइज्ड आर हाउ मच रेजिस्टेंस विल बी रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स रेंज फ्रॉम 0 टू आर वी बाय 2। हां मुझे नहीं आता। गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हम लोग क्या लगा देते हैं, हाई रेजिस्टेंस, जिससे अभी यस क्या सर, बन जाता है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर। तो मैंने बोला करंट कितनी आ रही है, आईजी, और वोल्टेज कितना है वी, तो वी इक्वल टू आई जी जी प्रसार। अब अगली बार वोल्टेज वी चाहिए या वी बाई टू चाहिए। वी बाई टू ठीक है, आई जी और जी सेम रहेगा, आर की जगह एक्स लिख दिया मैंने, हमसे यस क्वेश्चन में एक्स सर की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, यस सर। तो मुझे लगता है अगर इन इक्वेशन को डिवाइड कर दे तो कोई फायदा होगा। हाँ हो सकता है। डिवाइड करके देखो क्या आता, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मम्मी बना है, एक्स कितना आ रहा है, एक मिनट सर। आर माइनस जी बाई टू बिल्कुल सही, आर माइनस जी होल बाई टू, राइट, यस आर माइनस जी होल बाई टू। बिल्कुल सही है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है सीबीएसई में भी और कॉम्पिटिटिव में भी। ओके सर। और पार्ट देखो, टू इनफिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वाइज इनफिनिटी वेन द सेम एज द गेमस एवेंजल द थर्ड ग्राफ ऑफ द फाइव बेस टू द
अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। क्या हमारे पास दो वायर है, यस एक में करंट आई है और दूसरे में टू आई है, राइट, सेम डायरेक्शन में, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी बोली, स्मॉल डी, ठीक है। वेयर शुड अ थर्ड स्टेट वायर ए थ्री कैरी करंट 1.5 आई बी प्लेस्ड बिटवीन ए वन एंड ए टू सो दैट इट एक्सपीरियंस नो नेट फोर्स। क्या एक वायर और है ए थ्री, यस सर, और इसमें कितनी करंट है 1.5 आई, और ये इन दोनों वायर के बीच में रखा गया है, राइट, यस सर। तो अगर एक वायर से डिस्टेंस मैंने एक्स ले ली है तो सेकंड वायर से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डी माइनस एक्स। हमें नेट फोर्स जीरो करना है किस वायर पे, बीच वाले पे, यस सर, ठीक है। तो पहले ये बताओ क्या हमने कोई फोर्स का ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है, म्यू नॉट बाई फोर पाई टू आई वन आई टू बाई आर इन टू एल, पढ़ा तो एक बार मुझे लगता है ए वन ए थ्री के बीच में फोर्स कैलकुलेट करूं और एक बार ए टू ए थ्री के बीच में करूं और इन फोर्सेस को इक्वल डाल दूं, मतलब इन दोनों को इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे ना। हाँ, इन दोनों फोर्स को इक्वल कर दो, ए थ्री पे नेट फोर्स जीरो करना है हमें, उससे मुझे लगता है एक्स आ जाएगा। तो सौ अगर चेक करो क्या एक्स की वैल्यू डी बाई थ्री आ रही है, एक ए वन और ए थ्री के बीच में फोर्स और एक ए टू और ए थ्री के बीच में फोर्स, ए वन ए थ्री ए टू ए थ्री, ठीक है। अब एक डी बाई थ्री आया, ठीक है, मैंने तो कॉमन सेंस से सॉल्व कर दिया कि लेफ्ट में करंट आई है राइट में टू आई है, तो करंट का रेशियो 1:2 है, डिस्टेंस का रेशियो भी 1:2 होगा। अब क्वेश्चन है पूछा, डज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए थ्री डिपेंड ऑन करंट फ्लोइंग थ्रू इट, हाँ हाँ, अगर ये नेट फोर्स की बात कर रहा है, तो हाँ तो करेगा। हम्म, अगर नेट फोर्स जीरो नहीं करा तब डज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए थ्री डिपेंड ऑन द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, तो यस, यस, क्योंकि फॉर्मूले में आई वन आई थ्री तो आएगा ही आएगा ना, आई वन आई थ्री एंड आई टू आई थ्री, ठीक है। 28, डिफाइन द टर्म रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, क्या रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को हम लोग बोलते हैं, सी बाई वी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यस सर,
लॉ। अब ये बताओ कि क्या चैप्टर 10 में डेरिवेशन पता है ह्यूगेंस थ्योरी से, डेंसर टू रेयर में हाँ रिफ्रैक्शन प्रूव करने वाली। यस बट वो हाँ बता मतलब याद नहीं है मुझे। हाँ ठीक है तो इसको करना है, आज के होमवर्क में है, इसको जरूर करना, मैं एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता नहीं सीमेंस रिलेटेड है उसका डेरिवेशन है मेरे हिसाब से। तो है सीबीएसई में, तो अच्छा सीबीएसई में डिलीट करा हो गया है बीटा वाली डेरिवेशन, यंग्स डबल स्लिट वाली, ये वाली तो है। हाँ फिर ठीक है 29 अभी तुमने करा नहीं सेविंग रिटर्न। यस सर ठीक है क्वेश्चन में कह रहा ड्रॉ द एनर्जी पेन डायग्राम ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप। ठीक है तो एन टाइप में जो हमारा कुछ आइडिया हो तो बताऊं मैं। हाँ मुझे तो कोई आइडिया नहीं। हाँ अच्छा तो अभी छोड़ देते हैं इसको। एन टाइप में हमारा डोनर लेवल होता है वो कंडक्शन बैंड के पास बनता है, पी टाइप में एक्सेप्टर बैंड के पास बनता है, मतलब वैलेंस बैंड के पास बनता है एक्सेप्टर लेवल। कोई बात नहीं इसको पढ़ लेना फिर डिस्कस करेंगे दोबारा। सर बी पार्ट थोड़ा कॉमन सेंस वाला है, एब्सोल्यूट जीरो पर कनेक्टिविटी क्या हो जाएगी, जीरो, मतलब करंट फ्लो ओके नहीं होता सेमीकंडक्टर में। ओके और रूम टेम्परेचर पे करंट फ्लो होता है तो कनेक्टिविटी पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब कुछ वैल्यू आएगी। यस ठीक है 30 यूजिंग किरचॉफ वैसे रूल्स कैलकुलेट द करंट थ्रू इंजन 40 एंड 20 ओम। का ये पूरा वो इक्वेशन बना करना पड़ेगा। हाँ तो ये बड़ा क्वेश्चन है तो हम लोग थोड़ा सा करंट वगैरह को डिस्ट्रीब्यूट करके देख लेते हैं। करंट कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो, सी डी से स्टार्ट करो 80 वोल्ट से स्टार्ट करें? ये ठीक है मतलब बीच से स्टार्ट करो मतलब तीन जंक्शन जहाँ पे वहां से स्टार्ट कर सकते कहीं से भी कर दो, यार नहीं फ्री बढ़ता हाँ कहीं से भी कर दो फर्क नहीं पड़ता, बट मैं स्ट्रॉन्गेस्ट बैटरी देख रहा हूँ 80 वोल्ट से स्टार्ट ओके करी। ठीक ओके सर है तो क्या कुछ करंट सी टू डी जाएगी? सर और ऊपर से करंट आ रही है I1, तो क्या कुछ करंट लेफ्ट में जाएगी और कुछ करंट नीचे जाएगी? सही बात है। तो क्या सी पर हम जंक्शन लॉ लगा सकते हैं, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। ये अब एक लूप बनाना तुम कौन सा, ए बी सी डी ए मुझे बनाकर देखें। प्लस मैं बनाता हूं देखना, +80 डी माइनस -20 ट्वेंटी I1 प्लस -40 माइनस I2। ट्वेंटी टू इक्वल टू ठीक है ना जीरो एक लूप और बना यस के देखें, डी सी एफ ई डी, कोई भी लूप ले सकते हो तुम्हारा जो मन करे, तो ओके डी सी एफ ई डी। तो मैं लिखूंगा +40 I2 हाँ फर्स्ट व्हाट डी आई टू -10 I3 देन आई थ्री इक्वल प्लस टू फोर्टी जीरो प्लस फोर्टी इक्वल टू जीरो। इक्वल सही है, यस सर बस अब इनको सॉल्व करना पड़ेगा। सर ठीक है ना तो सॉल्व करके एक बार चेक करना, मेरे हिसाब से I1 की वैल्यू 4 एम्पियर आएगी। ओके ठीक है मैं वैल्यूज बताता हूँ देखो उससे वेरीफाई होता है या नहीं होता। I2 भी 4 एम्पियर आ गई तो I3 कितनी आएगी, जीरो। यस ठीक है यस सर जो हमारे पास ये 3 इक्वेशन है, इक्वेशन 1 2 और 3, तो क्या थर्ड इक्वेशन में मैं I3 को, और थर्ड इक्वेशन में I2 I3 है और सेकंड इक्वेशन में कौन है, आई वन आई टू है, अगर यस मैं फर्स्ट इक्वेशन से I1 को पुट कर दूं सेकंड इक्वेशन में। लेकिन अगर कैलकुलेट मैं, करना है ना हाँ अगर फर्स्ट इक्वेशन से I1 की वैल्यू मैं सेकंड में डाल दूं
तो क्या हमारे पास एक क्वेश्चन I2 और I3 में आ जाएगी, यस सर। और थर्ड में भी एक क्वेश्चन है I2 और I3 में, तो मैथमेटिकली इलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। लिखना पड़ेगा, हाँ मतलब सॉल्व करना पड़ेगा प्रॉपर, मैंने आंसर बता दिया कि ट्राई करके देख लेना, अगर ये आ रहा है तो परफेक्ट, नहीं आ रहा तो फिर चेक करना पड़ेगा, यस। आ जाना चाहिए। अब इसका और पार्ट क्या कह रहा है, कौन सा फाइंड आउट द पार्ट करंट फाइनल डेंसिटी इन दिया एल्युमिनियम वायर। तो क्या करंट डेंसिटी का फॉर्मूला में पता है भाई? ये है? जी जी निकल टाइम है अगर सीरीज में तो दोनों वायर में यस। करंट सेम होगी, तो क्या क्वेश्चन में करंट 10 एम्पियर बोला है, सर एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। यस सर। अब किस वायर में निकालना है, एल्युमिनियम वायर में राइट, डायमीटर अगर 0.24 बोला है तो रेडियस कितना आ जाएगा, 0.12 0.12 अपॉन में 100 क्यों लिखा, हाँ, बिल्कुल सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। सही, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए। ठीक है, यस सर सॉल्व करने पर मुझे लगता है 2.2 × 10 to power 6 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, इसके आसपास कुछ आ जाएगी। यस सर ठीक है, कैलकुलेट करके दिखाऊं मैं, नहीं ठीक है सर समझ। देखो मैं बहुत छोटे तरीके से करूंगा, 10 × 10 to power 4 दिखा मैंने क्यों बोला, हाँ वो मतलब अगर पाई से 10 को काट दो तो ऑलमोस्ट 3.2 आ जाएगा क्या, अपॉन में क्या बचा हुआ है, 0.12 का स्क्वायर, 0.12 का स्क्वायर कितना होगा, 0.0144। यस सर ठीक है, तो अगर इसको मैं लिख दूं 3.2 × 10 to power 6 अपॉन 1.44, तो ऑलमोस्ट सही बात है। यस अब 3.2 और 1.44 को काटोगे तो 2 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, ओके 2.2 से लिख दिया अप्रोक्स। तरीका समझ में आया ना मैंने क्या बताया। ठीक सर यस है, 31 का ए पार्ट, राइट थ्री कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रेक्शन। तो सबसे पहली बात, इंटरफेरेंस में सारी फ्रिंजेस जो होती हैं सबकी इंटेंसिटी सेम होती है, डिफ्रेक्शन में सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी ज्यादा होती है, बाकी सबकी कम होती जाती है, राइट। नहीं यार कोई बात नहीं सुन लो, भी इंटरफेरेंस में सारी फ्रिंजेस की विड्थ भी सेम होती, चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, डिफ्रेक्शन में सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ अदर मैक्सिमा की ट्वाइस होती है। यस थर्ड पॉइंट, सेंटर इंटरफेरेंस में जहां जिस पोजीशन पे या जिस एंगल पे मैक्सिमा बनता है, जैसे फाइ इक्वल टू पाई पर, इंटरफेरेंस में क्या बनेगा, मैक्सिमा, नहीं आ रहा है नमस्कार। डिफ्रेक्शन में उसी एंगल पे मिनिमा बन जाएगा। इसको बुक्स में ढूंढो सारे पॉइंट्स लिखे हुए, याद हाँ करने पढ़ू पढ़ना चाहूंगा बुक में दिया हुआ है, पढ़ो एनसीईआरटी में। ठीक यस सर है, ये भी कह सकते हो, इंटरफेरेंस में सोर्सेस कैसे होते हैं, कोहरेंट होते हैं, मतलब टू सोर्सेस होते हैं, ओके डिफ्रेक्शन में सिंगल सोर्स होता है, तो इंटरफेरेंस की डेफिनेशन होती है सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स कमिंग फ्रॉम टू कोहरेंट सोर्सेस, और डिफ्रेक्शन की डेफिनेशन होती है सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स कमिंग फ्रॉम सेम वेव फ्रंट। सर तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मतलब इसको बस पढ़ना है, याद करना है, राइट। हाँ तो अच्छी बात नहीं है तो याद करूं, सेकंड पार्ट इसका अच्छा है, पहले भी वो लाइटर फर्स्ट वन में ज़्यादा डिस्टेंस 2.5 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर फाइंड द वेलोसिटी फॉर्मूला क्या है इसका।
अब डिफ्रेक्शन की अगर बात चल रही है तो मिनिमा का फॉर्मूला होता है वाई इक्वल टू एन बीटा। अब हमारा कौन सा मिनिमा है? फर्स्ट मिनिमा, और बीटा का फॉर्मूला होता है डी लैम्डा बाई ए। क्या क्वेश्चन में लैम्डा गिवन है? 500 नैनोमीटर। क्या कैपिटल डी गिवन है? 1 मीटर है। यस सर। क्या वाई गिवन है? 2.5 मिलीमीटर है। हमसे विड्थ ऑफ स्लिट पूछा है, इसका मतलब ए पूछा है, तो वैल्यूज पुट करके देखो ए कितना आता है। मेरे हिसाब से आ जाएगा डी लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू थी 5 × 10⁻¹⁷ मीटर में पुट करिए, और वाई था 2.5 मिलीमीटर, तो क्या आंसर 2 × 10⁻⁴ मीटर आ जाएगा। करके देखो, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन लग रहा है मुझे। वाई क्या है? वन कैपिटल डी क्या है सर? कैपिटल डी होती है स्क्रीन की डिस्टेंस फ्रॉम स्लिट, 1 वन मीटर। -4 आ गया सर। ठीक है, अब इसका और पार्ट। टू इंडिपेंडेंट मोनोक्रोम टू ट्यूब लाइट्स को हम कोरेंट सोर्सेस बना सकते हैं? बता नहीं, नहीं पता मुझे, नहीं आता। नहीं बना सकते। उसका रीजन है कि अगर तुम डिफरेंट सोर्सेस यूज करोगे, इंडिपेंडेंट सोर्सेस, तो इनका फेज हमेशा चेंज होता रहेगा, और कोरेंट सोर्स के लिए जरूरी है कि फेज कॉन्स्टेंट रहे। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट डेरिवेशन है क्या? यस सर। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी। तो मुझे लगता है ये ऐसा कुछ बन जाएगा, 4I0 cos² 5/2, इसकी डेरिवेशन बुक में दी हुई है। ठीक है, अब थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? ये अच्छा क्वेश्चन है।32 नहीं, ये जो और पार्ट था ना उसका बी पार्ट, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट विद लैम्डा द इनिशियल लाइट इज एट वन पॉइंट ऑफ स्केल लैम्डा स्केल इज फाइंड आउट द इनिशियल मोनोक्रोम। All right, so this is the line.
पता नहीं कैसे। आई डोंट नो, ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में करा नहीं तुमने? लेकिन ना वेव आउट इज बहुत वीक नहीं आता मुझे। अच्छा, तो उसकी जो मैंने यूट्यूब पे वीडियोस डाल रखी है ना, उसको देखो बेटा, ये सब मैंने सॉल्व कर रखा है उसमें। ओके सर, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, 32 देखू, ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ठीक, म्यूचुअल डॉक्टर ऊपर का मैंने आंसर लिख दिया के भाई फोर। ठीक है, डिस्कस करेंगे, देख लेंगे दोबारा। म्यूचुअल इंडक्टेंस को समझ में आ रहा है ना, म्यूचुअल डॉक्टर तो आता है। भाई, डेरिवेशन पूछ रहा है, म्यू नॉट एन वन एन टू एल की। इसकी डेरिवेशन याद है? नहीं याद है नहीं यार, ठीक तो लर्न करो भाई, डेरिवेशन लर्न करो इसकी। ठीक है, और पार्ट देखो, ये भी एनसीईआरटी का शॉर्ट एग्जांपल है, ईएमआई का। एक डॉट कॉम 0 से बी से 2B ले जा रहे हैं और वापस फिर 2B से बी से 0 पे ला रहे हैं। हमें ईएमएफ और फ्लक्स के एक्सप्रेशन निकालने हैं और ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके आइडिया है? नहीं इसका आइडिया? सर, ग्राफ बनाना है। ग्राफ ड्रॉ करना है इसका। तो अगर फ्लक्स का ग्राफ ड्रॉ करूंगा मैं, तो पहले फ्लक्स इंक्रीज होता है 0 से लेकर के बी तक, देन बी से लेकर 2B तक कांस्टेंट होता है। जब रॉड वापस आएगी 2B से बी, तब भी कांस्टेंट होता है, देन बी ऑनवर्ड्स टिल 0 फ्लक्स डिक्रीज होता है। अगर हम ईएमएफ का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो पहले ईएमएफ नेगेटिव होता है, देन 0 0 और फाइनली पॉजिटिव जाता है। तो ईएमएफ का फॉर्मूला होता है बी एल वी, राइट? और फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। यहाँ पे एरिया को हम क्या ले सकते हैं? लेंथ इनटू ब्रेथ, एल इनटू बी। बुक में देखो उसको, आई तो आता क्वेश्चन तो एग्जाम में भी आया था। अगर ये आइडिया हो तो आगे बढ़े, यस सर, मतलब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 5 मार्क्स में आता से कई पार्ट्स हैं। 33 का ये पार्ट क्या कह रहा है? Another four side transparent draw the trajectory based on the goal and giving up nearly this one. अरे मतलब वो एक गोल्ड फॉइल है ना, एक रिफ्लेक्ट हो गया, एक रिटर्न हो गया, बहुत सारे उसके थ्रू अनस्कैटर्ड पास कर रहे हैं, ये दिखाना है ना। हाँ, मतलब ये ड्रॉ करना होता है इसमें कि हमारा न्यूक्लियस है, तो जो अल्फा पार्टिकल दूर होंगे वो तो सीधा चले जाएंगे, जो यस सर, पास आ रहे होंगे वो डिविएट हो जाएंगे, जो और पास आएंगे वो और ज्यादा डिविएट होंगे, और जो हेड ऑन होगा वो वापस चला जाएगा, राइट?
इसमें साइज कैसे हम लोग के निकाल इसका हम साइज को कैसे एस्टिमेट करेंगे? इसके साइज को मतलब कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स वहां पे मतलब साइज वैसे बताएंगे ना, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट, इसका मतलब रेस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी और कुछ हम रिफ्लेक्ट मतलब कुछ सब, ये सब तो ऑब्जर्वेशन है। मुझे लगता है साइज हमने कैलकुलेट करा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से, एनर्जी कंजर्वेशन जो हम लगाएंगे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी को हम लिखेंगे के क्यू वन क्यू टू बाई आर। इस आर को मैं बोल रहा हूँ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। यस सर। तो यहां से हम आर नॉट कैलकुलेट करते हैं और जो एटम की जो न्यूक्लियस की साइज होगी वो डेफिनेटली आर नॉट से कम होगी। यस सर। ठीक है, यस उसमें कह रहा व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच टू द न्यूक्लियस ऑफ अ पार्टिकल व्हिच अंडरगो स्कैटरिंग बाय 180 डिग्री इन गाइगर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट। गाइगर मार्सडेन मतलब रदरफोर्ड की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब स्टूडेंट का ना भाई। अब ये डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि इसमें हमें काइनेटिक एनर्जी याद रखनी पड़ती है क्या? 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। डिस्टेंस ऑफ क्लोजर तो पाई बाय 2 होगा हम थिंक का। इंपैक्ट पैरामीटर कुछ मतलब इसमें ये वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगे के जेड ई इंटू टू ई अपॉन आर नॉट। और इन्होंने गोल्ड फॉइल लिया था राइट, तो गोल्ड का जेड कितना होता है? 79। तो यहां से आर नॉट आएगा कैलकुलेट करने के बाद। ऐसा बुक में एक सॉल्ड एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी में। ओके सर। ठीक है, तो उससे चेक करना। जहां तक मुझे याद आ रहा है ये आर नॉट हमारा 30 फर्मी के आसपास आएगा, बट एक बार सॉल्व करके देख लेना चाहिए।